बहुत जन्म बिछुरे थे मधो, एह जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पयो दर्शन देख। साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर गुरु घर दियां मातावां, गुरु घर दी पुत्री, गुरु घर दी सुपत्नी, गुरु घर दी नानी पड़नानी, जिन्हें तखल्लस वरतो तू सतवंती तू प्रधान। धन बीबी भाणी जी का दिन आप सारे मना रहे हो। बख्शो असीस जिन्हें आप गुरुद्वार विच मौजूद हो, जिन्हें घर बैठे सरवण कर रहे हो। कोई भी रसना विर भी ना रहे, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु अमरदास महाराज जी के घर जिस वेले बीबी भाणी का जन्म होया, बासर के गिलां की धरती है, 21 माघ 1691 आ जिहड़ा देसी महीना, तो जिस वेले जन्म हुंदा है तो छोटी उम्र तो ही बीबी भाणी जी का जीवन बड़ा, क्योंकि नाम ही भाणी रखिया जिहड़ा भाणे दे विच रहे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी की माता जिहड़ी है तृप्त, धन गुरु नानक साहब जी के महल जिहड़े सुलखणी ने, जिहड़े सदा ही सुलखणी ने, ये नाम दे विच बड़ा कुछ लिखिया। धन गुरु नानक साहब महाराज जी जे नगर वसाउंदे है तो वह नानकपुर नहीं वसाउंदे, कहिंदे करतारपुर करता वसै संतन कै पास। गुरु अर्जन साहब जी का शब्द वसाया करतारपुर। राय भोए की तलवंडी का मालिक राय बुलार कहिंदा ये थां मेरे पिता पुरखी नहीं रही, ये हुण नानक आना है, ये ननकाणा है। बड़ा कुछ पिया है, नाम की तो खेड है, असी बैठे तो नाम की प्राप्ति लई हाँ। बीबी भाणी जी का जन्म होया, समा बतीत होया, दानी का विआह होया, और समा पा के सतगुरु गुरु अमरदास जी गुरु अंगद साहब जी दे कोल ही गोविंदवाल साहब की धरती ते टिक गए। उत्थे ही सारी सेवा, क्योंकि हुक्म कर दिता खडूर साहब पहले सेवावां निभाइयां जिन्नियां सेवावां निभाइयां जा सकदियां सी। और जद सतगुरु गुरु अंगद साहब महाराज जी चलाना कीता, ज्योति जोत समाए है, तो गुरु अमरदास महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठे है। तो हुण बीबी भाणी जी का जीवन देखिए किवें है, किवें घटदा है। सेवा करदे ने पिता जी दी, पिता गुरु जी दी, इत्थों तक दरबार दे हर तरह की सेवा, हर एक तरह का कारज, जिन्नी सेवा जिन्नियां खुशियां बीबी भाणी जी ने गुरु घर दे विच माणियां, सच्ची मुची कोई होर बूबी बीबी ऐसी नहीं जापदी जिहड़ी गुरु घर दी इन्नी डूंगियां सेवावां करदियां। तू सतवंती तू प्रधान ताही वरतिया जांदा है। तो जिस वेले भाई जेठा जी जिन्हों रामदास जी कहिंदे, गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी की सेवा च आए, तो माता मनशा देवी वो धन माँ है जिहड़ी बीबी भाणी जी दे माता जी ने, वो कहिंदे धन गुरु अमरदास जी सब कुछ हो गया, बस मन दे विच एक इच्छा है हुण भाणी नूं तोरता जाए, हुण भाणी दा विआह कराया जाए। पर किदे नाल? कहिंदे जिहदे कुल उच्ची होए, जिहदा घर शानदार होए, तो जिहदे घर खाण पीण की थुड़ ना होए। कहिंदे साडी नज़र दे विच इह तिन्नों चीज़ां जिहड़ियां पूरा करदा है वह गुरु रामदास जी ने। उत्थे माता मनशा देवी ने शंका भी की, पर कहिंदे शंका ना करियो गुरु के प्यारियो, अज भी जिहदे घर मर्जी चले जाओ, उन्हां दे घर तिजोरियां च सोने के गहने हो सकते हैं, हो सकता इस तो अमीर होवे, सोने के भांडे भी होण, पर ऐसा कोई घर नहीं इस धरती ते जिहड़ा घर ही सोने तो बनया हो, वह गुरु रामदास जी का वो घर ऐसा नहीं। हाँ, दुनिया की ऐसा कई थावां ने जिथे कोई बंदा भुखा तो सो सकता है, पर गुरु रामदास जी के घर कोई भी आ जाए भुखा राती नहीं सोएगा। धन गुरु रामदास महाराज जी का ऐसा घर ताइयों तो बाणी कहती, डिठे सबे थाम नहीं तुद जिहा, जपो जी डिठे सबे थाम। ये बीबी भाणी की कमाई है कि उन्हों का जोड़ा वर है वह गुरु रामदास है, धन गुरु रामदास जी ने। तो जिस वेले धन गुरु रामदास महाराज जी वल इशारा होया, तो बीबी भाणी जी ने सत करके मनिया मात पिता का हुक्म। बीबी भाणी जी ऐसी माँ है, ऐसी गुरपुत्री है, ऐसी गुरमहल है, जिदे करके
भाई गुरदास जी ने जिहड़ी वार लिखी है, वार की पौड़ी लिखी है, वह सच्ची मिची बीबी भाणी जी की सेवा करके सत हुई है। पंज प्याले पंज पीर छटम पीर बैठा गुर भारी अर्जन काया पलटकै मूरत हर गोबिंद सवारी चली पीड़ी। आ जिहड़ा सच बचन वरत्या है ना, इतिहास का कोई पन्ना फरोल लो, बीबी भाणी जी दीआं सेवावां भावें धन गुरु अमरदास महाराज जी नूं बुजुर्गी दे विच कदी ठंडे पानी जां गर्म पानी इशनान वी कराउणा। धन गुरु अमरदास महाराज जी दी धी राणी ने जिथे गुरु घर दी सेवा कमाई, इतिहास च पढ़ के देख लिओ, गुरु काल दे विच जिथे बीबी भाणी तुरदी सन, गुरु घर दीआं बीबियां सेवादार जिन्ने सन, बीबी भाणी नूं सच्ची मुची सब तों सिरमोर रुतबा दिंदे सन। बस एक चीज़ बीबी भाणी दे जीवन तो लै लियो, बीबी भाणी गुरु अमरदास जी की सेवा दे विच सन, ते दुनिया का हर इंसान बीबी भाणी की सेवा नूं लोचदा सी। आस है गल पकड़ आई होएगी, जिहड़ा गुरु की सेवा दे अपना आप निछावर करदा, हर कोई गुरु दे विच गुरु के संगत, जे गुरु अमरदास जी नूं उड़ीकदी सी संगत रोज़ अमृत वेले का नेम सजदा सी, ते उत्थे बीबी भाणी नूं रोज़ उड़ीकिया जांदा सी कि बीबी जी कद आउणगे, ते बीबी भाणी नूं किवें भुल जाइए। जिथे गुरु रामदास जी का चेता होएगा, बीबी भाणी का चेता अचनचेत आएगा। जे धन गुरु रामदास महाराज जी दरबार साहब की सेवा कराउंदे है कि बीबी भाणी ने सेवा नहीं की, ये तो साड़ी थुड़दिली है कि असी गुरु घर दीआं बीबियां नूं अग्गा नहीं आण दिता। भाणा तो पारब्रह्म परमेश्वर दा है, पर उस भाणे नूं सत करके मन्नण वाली जिहड़ी बीबी इस धरती ते गुरु पुत्री है धन गुरु अमरदास जी की, वह धी है, गुरु महल है धन गुरु रामदास महाराज जी की, वह महल पत्नी है, तो सब तो वड्डा जिहड़ा सब तो वड्डा करम है बीबी भाणी जी का, वह है बोहिता दोहिता बाणी का। जिस वेले घर दे विच पृथ्वी चंद का जन्म होया, पृथ्वी चंद तो बाद महादेव का जन्म होया, तो जिस वेले धन गुरु अर्जुन साहब जी का प्रकाश होया ना, धन गुरु अमरदास नाना जी विहड़े दे विच मंजा डा के बूआ ढो के पए ने, ते बीबी भाणी जी सेवा करते करते भुल ही जाते हैं कि मैं पुत्र नूं छोटे नूं कित्थे कित्थे भज के आ गया। तो ऐसा वो पुत्र जिस वेले धन गुरु अमरदास जी सुते पए ने, कमरे दे चौखट तक पहुँच गए, बूआ भारा लकड़ां दा नहीं खुले, पहला सज्जे हाथ नाल खोलिया, छोटी उम्र छोटा शरीर, कहिंदे जिस वेले सिर नाल उन्हां ने दरवाज़ा खोलिया धन गुरु अर्जुन साहब जी ने, धन गुरु अमरदास जी मंजे तो उठ खलोते, कहिंदे किहड़ा भारा पुरख आया, तो अगे देखिया दोता बैठा है, उत्थे बीबी भाणी जी भज्जी आई, पिता गुरु जी गुस्ताखी हो गई, तुहाडे आराम दे विच विघन पाया है, ये पुत्र चलाक हो गया तेज हो गया। धन गुरु अमरदास जी कहिंदे ना बीबी भाणी, चलाक ते तेरा वड्डा है, इहनूं चलाक ना आख, ये कौन है, ये भारी पुरख है, ते ये दोहिता बाणी का बोहिता है, ये दात देण वाली माँ भाणी है, ते जिहदे बाबत भट्टां नूं कहना पै गया तैं जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण्यो, धरती दे उत्ते जिन्ने मर्जी जहाज़ बन जाण, समा समाप्त है, बस उहदे उत्ते 1,000 2,000 3,000 जहाज़ बंदे या 10,000 सवार हो सकदे है, बीबी भाणी ने ऐसा जमया जिहदे उत्ते सारी कायनात भी सवार हो जाए, वह सारी कायनात नूं पार करन वाला है, कलयुग जहाज़ अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेहतरो, ये बीबी भाणी जी दे लेखे आया। कौन कहिंदा है बीबी भाणी का जिक्र बाणी च नहीं आया, आया धन गुरु अर्जुन साहब जी का शब्द चेते करो, कहिंदे दुनिया दीआं मावां चाहुंदियां ने मेरे पुत्र नूं कपड़े चंगे मिलन, मेरा पुत्र चंगे कपड़े हंडाए, ते दूसरी चीज़ दुनिया दीआं मावां दे मन च हुंदी है कि मेरी औलाद कदी भुखी ना सोए, उहनूं भोजन जरूर मिले, माँ जिथे मर्जी होए औलाद जिथे मर्जी होए, माँ ये सोचती है कि मेरे पुत्र धियां ने भोजन छकिया कि नहीं छकिया। पर धन गुरु अर्जुन साहब कहिंदे मेरी माँ बीबी भाणी ऐसी इस धरती ते आई जिन्हें कदी बाहर दे लीड़े ते भोजन की गल नहीं की, जिन्हें भोजन दिता तो रूहानी भोजन दिता, तो जिन्हें कपड़े की फिक्र की तो उन्हें की प्रेम पटोला तैशा दिता ढक्कण को पत मेरी, तो वह शब्द आप पढ़ते हैं, पूतां आह जपो जी पूतां, तो ये बीबी भाणी नहीं तो कौन है, कौन कहिंदा बीबी भाणी नहीं गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। गुरु अर्जुन साहब कहिंदे मेरी माँ है, मेरी जननी है, जिन्हें मैनू ये असीसा दित्तियां,
जिस असीसां दे विच कोई दुनिया का ख्याल या मनोरथ नहीं, निमख ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते अगे जिक्र किया अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत अनंत अनंता, सारिया बख्शिशां कीतियां कि इस अवस्था दे विच सतगुर तुमको होए दयाला संत संग तेरी प्रीत, दुनिया की मावां बार दे कपड़े ते भोजन मंगदी है। ते धन गुरु रामदास महाराज जी की महल, धन गुरु अमरदास जी की धी राणी, धन गुरु अर्जुन साहब जी की माँ ने मंगया की है, कापड़ पत परमेशर राखी भोजन कीर्तन नीत। ते यही आख्या कि गुरु अर्जुन साहब जे मन बढ़ाउणा है ते मैं अरदास कर दी, ये माँ की अरदास है क्योंकि डंडौत इत्थों शुरू की, सुत अपराध करत है जेते जननी चीत ना राखस ते। ते उथे अरदास कीती भवर तुम्हारा ए मन होवो हर चरना हो कौला नानक दास उन संग लपटायो, उन तुहाडी संगता नू जिक्र कीता, नानक दास उन संग लपटायो जिओ बूंदे है चात्रक मौला समा समापत है। घर दे विच प्रेम बीबी पाणी वर्गा लियाओ, धियां नू बीबी पाणी दी तरह तैयार करो, ते नूहां दे नाल धियां तों वध प्यार करो। ये बीबी पाणी जी का उपदेश है। ला चुका दी खिमा फतेह बुलाओ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।